नमस्कार, मैं सुरेश कुमार और आपका पलपल यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। 1800 से 2000 रुपए पेंशन करने जा रही है दिव्यांग जनों की हरियाणा सरकार। यह जानकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी ने एक कार्यक्रम में आयोजन के दौरान पहुंचे मुख्य अतिथि के तौर पर कही। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों के लिए कार्यरत संस्थाओं को 50,000 से 60,000 रुपये अनुदान दिया जाता है, जो कि बहुत ही कम है। इसे बढ़ाने पर भी निर्णय लिया जाएगा हरियाणा सरकार द्वारा। उन्होंने कार्यक्रम में पहुंचे दिव्यांगजनों से भी मुलाकात की। कार्यक्रम में दिव्यांगजन एवं निःशक्त जन आयुक्त दिनेश शास्त्री भी पहुँचे। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों के कल्याण एवं उत्थान के लिए सरकार ने अनेक योजनाएँ चलाई है। पहले से ज़्यादा बेहतर हुई है दिव्यांगजनों की लाइफ। उन्होंने कहा कि दिव्यांगता अभिशाप नहीं है और इसे सम्मान चाहिए, दया नहीं। अगर इनको भी बेहतर विकल्प मिले और बेहतर अवसर दिए जाएं तो ये भी समाज की मुख्य धारा में शामिल होकर के कुछ नया कर सकते हैं। इसके लिए किसी और को नहीं, हम सबको मिलकर के प्रयास करना होगा। उन्होंने कहा कि कोई एक व्यक्ति या एक संस्था इस कार्य को आगे नहीं बढ़ा सकती, बल्कि पूरे देश में सभी को एक साथ मिलकर के प्रयास करने होंगे, तभी इस प्रकार की स्थिति से काबू पाया जा सकता है। आप देख रहे हैं पलपल की ये खास रिपोर्ट। अच्छी की होगी शायद आपको यहाँ तक पहुंचने में किसी को शायद कोई परेशानी नहीं होगी। यदि अच्छी व्यवस्था की हो तो उसके लिए थैंक्स निर्जा गौरी जी का, और यदि कोई परेशानी हुई हो उसके लिए मैं जिम्मेवार हूँ क्योंकि विभाग का मंत्री हूँ। आप सभी का मैं इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, क्योंकि हमारे देश की संवेदनशील सरकार ने एक 2016 पूरे देश भर में लागू करने की योजना बनाई है, परंतु हरियाणा में कुछ परिस्थितियां ऐसी रही। अभी पिछले दिनों इसके ऊपर हमने गहन चिंतन और मंथन किया, डिस्कशन किया और प्रयास किया कि जल्द से जल्द इस एक्ट को हम हरियाणा के अंदर लागू कर दें, और उस एक्ट को लागू करने के लिए जो जो प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज जो हो सकती है उनकी हमने शीघ्रता से बड़ी स्पीडली शुरुआत की है। इसके लिए मैं अपने प्रदेश के सभी अधिकारियों का आभार प्रकट करता हूं और आशा करता हूं कि जो मैंने आदरणीय चरण सिंह जी, उनकी टीम जो मुझे चंडीगढ़ में मिलने के लिए आई थी, उनसे वादा किया था कि अगस्त 2018 तक हम इस एक्ट को लागू कर देंगे। मैं आज भी उसी प्रॉमिस पे हूँ और अपने अधिकारियों पर मुझे विश्वास है कि इस एक्ट को हम 15 अगस्त से पहले पहले लागू करने का प्रयास करेंगे। यदि कुछ देरी होगी तो शायद 1-2 दिन की मेरी वजह से होगी। मैं आप सभी का जी चरण सिंह जी धन्यवाद। 15 अगस्त की बात करेंगे ना। हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने एक वाक्य बोला था, मैं उसको दोहराना चाहता हूं। जो भी कार्य है करें, जो भी कार्य है आरंभ करें, गंभीरता से पूर्ण करें, और तब तक संतुष्ट ना हो जब तक अपना सर्वश्रेष्ठ ना दे दें। इसलिए अभी आपको धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है, मेरी संतुष्टि नहीं हुई है। आज जो वर्कशॉप आयोजित की जा रही है, इसका मुख्य उद्देश्य है भारत सरकार के दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 में दिए गए प्रावधानों बारे आप सभी को जानकारी देना और आप सभी विशेषज्ञों, वक्ताओं और दिव्यांगजनों से इस प्रावधानों के संबंध में सुझाव प्राप्त करना है, ताकि हरियाणा सरकार द्वारा इस अधिनियम के तहत अच्छे नियम बनाए जा सके और उन्हें राज्य में दिव्यांगजनों के कल्याण हेतु लागू किया जा सके। मैं आपको यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि दिव्यांगजनों के उत्थान, पुनर्वास और सामाजिक सुरक्षा के लिए
राज्य सरकार द्वारा अनेक योजनाएं कार्यक्रम संचालित किए गए, जिस कारण राज्य में दिव्यांग जनों का समुचित विकास हो रहा है और वे अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मैं यहां उल्लेख करना चाहूंगा कि सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग हरियाणा का चालू वित्त वर्ष 2018-19 के लिए जो हमारा बजट प्रोविजन है वो 6,070 करोड़ रुपए है, तथा वित्त वर्ष 2017-18 में जो बजट टोटल 4,912 करोड़ था वो हमने इस साल बढ़ाकर 6,070 करोड़ रुपए करने का काम किया। मेरे मुख्यमंत्री जी का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। वित्त वर्ष 2018-19 में दिव्यांग जनों के कल्याण हेतु कुल 412,67,00,000 रुपए का हमने स्पेशल बजट प्रोविजन किया है। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा समाज के सभी वर्गों जैसे वृद्धजन, विधवाओं, बेसहारा महिलाओं तथा निराश्रित बच्चों आदि के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन दिव्यांग जनों को उत्थान एवं पुनर्वास हेतु चलाई जा रही कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं का मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहता हूँ। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में 5,46,374 लोग हमारे दिव्यांग हैं, जिनमें से मूक एवं बधिर 1,37,314 और हमारे दृष्टिबाधित 82,702 और अस्थिबाधित 1,16,026, मंदबुद्धि 30,070, मानसिक रूप से बीमार 16,191 और बहु दिव्यांगता के जो हमारे केसेस हैं 47,250 तथा अन्य दिव्यांगता के 1,16,821 संख्या है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इन 5,46,374 दिव्यांग बंधुओं का संपूर्ण विकास किस प्रकार से हो, हरियाणा सरकार की किस प्रकार से इनकी उत्थान में, इनके विकास में, इनकी शिक्षा में, इनके स्वास्थ्य में, इनके रहन सहन में हर प्रकार की सुविधाएं हम उपलब्ध करा सके, ऐसी हमारी सरकार की सोच है। परंतु मैं आभार प्रकट करता हूं हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी का और हमारे बहुत ही योग्य केंद्रीय मंत्री श्री थावर चंद गहलोत जी का, जिन्होंने ये एक्ट के साथ साथ जो हमारे हरियाणा देश के अंदर केवल 7 प्रकार की दिव्यांगता को हम काउंट करते थे, हमारी सरकार आने के बाद हमने उसको 21 प्रकार की दिव्यांगता को सरकार की श्रेणी में जोड़ने का काम किया, उस लाभ की पात्रता की उनको योग्य बनाने का काम किया। इसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश के अंदर जो हमारे दिव्यांग जनों के लिए पेंशन योजना है उसमें अब तक हम 1,54,000 लोगों का इसका लाभ दे रहे हैं और हरियाणा प्रदेश के अंदर नवंबर 2017 से हमने 1,800 रुपए मासिक पेंशन इन लोगों के लिए की है और नवंबर 2018 के अंदर इसको हम 2,000 रुपए करने जा रहे हैं। हमारी सरकार बनने से पहले हरियाणा प्रदेश के अंदर 70% जो दिव्यांगता थी लोगों की, उन लोगों को पेंशन की और अन्य सुविधाओं के क्षेत्र में जोड़ा जाता था, परंतु माने मुख्यमंत्री जी के सफल प्रयास से, माने मुख्यमंत्री जी की दूरदृष्टि के कारण आज हमने 70 से घटाकर 60% दिव्यांगता पर लेकर आए हैं और उसमें 25,000 नए लोगों को हमने लाभ देने का काम किया। अभी आपका 2016 का जो एक्ट लागू हो जाएगा उसके अंदर जो जो राव साहब ने अभी आपके लिए योजनाएं बना के हमारे तरफ भेजने का काम किया है उसको पूर्णतः लागू करने का काम करें। इसी प्रकार से स्कूल न जा सकने वाले मंदबुद्धि दिव्यांग बच्चों के लिए वित्तीय सहायता के लिए हमने 9,700 औपचारिक शिक्षा से वंचित ऐसे मंदबुद्धि बच्चों को नवंबर 2017 से 1,200 रुपए प्रति मास की दर से वित्तीय सहायता दी जाए, जिनकी बौद्धिक क्षमता 50 से कम अथवा न्यूनतम दिव्यांगता 70% या उससे अधिक एवं आयु 18 वर्ष से कम हो, इस योजना के लिए इस वर्ष 13,68,00,000 रुपए का हमने प्रावधान किया है। इसी प्रकार से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं सुगम भारत अभियान के अंतर्गत गुड़गांव और फरीदाबाद में भारत सरकार के मंत्रालय की योजना के अंतर्गत गुड़गांव फरीदाबाद में स्थित निर्मित भवनों को दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुविधा संपन्न किए जाने का निर्णय लिया गया था, जिसके अंतर्गत 89 सार्वजनिक भवन चिन्हित किए गए थे। अब तक 28 भवनों के नवीनीकरण के लिए भारत सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा 553.71 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त 10 जिले चिन्हित किए जा रहे हैं, जिनमें पंचकुला, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, हिसार एवं रेवाड़ी शामिल है। दिव्यांग जनों के एलिमको के माध्यम से
6,600 लाभपात्रों को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण हमारी सरकार के बनने के बाद हमने वितरित करने का काम किया है। इसके अंदर 4 लोकसभा क्षेत्र फरीदाबाद, करनाल, कुरुक्षेत्र और सोनीपत में इस प्रकार के हमने कैंप पहले आयोजित कर लिए हैं और अब हमारा प्रयास है कि बाकी के 6 लोकसभा क्षेत्रों के अंदर भी हम शीघ्र ही आने वाले वर्ष के अंदर दिव्यांगजनों को सहायक संयंत्र उपलब्ध कराने का हम प्रयास कर रहे हैं और उसको शीघ्र ही हरियाणा प्रदेश में हम वितरित करने की शुरुआत करने जा रहे हैं। परंतु मैं आभार प्रकट करता हूँ हमारे केंद्रीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी, जो फरीदाबाद से सांसद भी हैं, उन्होंने अलिम्को जो कानपुर के अंदर एक संस्था जो हमारे दिव्यांगजनों के लिए अंग निर्माण का उनके सहायक संयंत्र बनाने की एक संस्थान है जो नो प्रॉफिट नो लॉस पर काम करती है, उसकी एक ब्रांच फरीदाबाद तिंगाव के अंदर उन्होंने स्टेब्लिश करने के लिए लंबे समय तक प्रयास किया और 5 एकड़ जमीन हमारी सरकार ने वहां पर उपलब्ध कराई और पिछले महीने हमारे हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी के द्वारा उसका शिलान्यास किया गया है। अब वो अलिम्को के बॉडी पार्ट्स यहाँ पर हरियाणा के अंदर भी बनेंगे जो उत्तरी भारत के अंदर इस प्रकार का ये दूसरा एक इंडस्ट्री या इस प्रकार की एक उद्योग यहाँ पर स्थापित होगा। अभी राव साहब बोल रहे थे कि हमारी बहुत सी योजनाएं हैं, यदि हरियाणा सरकार जमीन उपलब्ध कराएगी तो हम और चीजों का यहाँ पर प्रयोग करने का काम करेंगे। मैं राव साहब को ये बताना चाहता हूँ, हरियाणा प्रदेश के अंदर सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट की लगभग 11 जिलों के अंदर बहुत सी काफी अच्छी लोकेशन में काफी मात्रा में जमीन हमारे पास उपलब्ध है। हम आपको सारा का सारा डिटेल निर्जय जी और गौरी जी आपको बनाकर भेज रहे हैं। हमारे लिए जो भी हरियाणा के दिव्यांगजनों की भलाई के लिए जो भी आप केंद्र सरकार की मदद कर सकते हो, मैं उसके लिए आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ और आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। इसी प्रकार से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि दिव्यांगजनों की पहचान तथा पहचान पत्र, भारत सरकार की पहल पर हरियाणा राज्य को दिव्यांगजनों की पहचान तथा पहचान पत्र जारी करने हेतु पायलट राज्य के रूप में चिन्हित किया है। भारत सरकार द्वारा संचालित UDID योजना के अंतर्गत राज्य के दिव्यांगजनों की पहचान तथा पहचान पत्र जारी करने हेतु शिविरों का आयोजन किया जा रहा है और अब तक 12,000 दिव्यांगजनों को UDID कार्ड जारी करवाने हेतु पंजीकृत किया जा चुके हैं तथा इनमें से 6,562 को UDID कार्ड भी हमने वितरित करने का काम किया है। मैं सभी स्वयंसेवी संस्थाओं से एक निवेदन करना चाहता हूँ, UDID कार्ड सभी लोगों के बन जाए, सभी बंधुओं के बन जाए, इसके लिए उनमें सरकार के साथ साथ आप लोग भी उनमें जागरूकता लाने का काम करें। एक महत्वपूर्ण कार्ड से वो लोग वंचित न रह जाए, इसमें आप लोगों के बहुत बड़े सहयोग की जरूरत है। इसी प्रकार का निवेदन मैं मीडिया के लोगों से भी करना चाहता हूँ, UDID कार्ड के लिए ज्यादा से ज्यादा विज्ञापित करके लोगों को इसके लिए प्रेरित करने का काम करें। हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर भारत सरकार द्वारा मूक एवं बधिर व्यक्तियों के लिए महाविद्यालय की स्थापना हेतु अनुदान देने का प्रस्ताव दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा करनाल में मूक एवं बधिर एवं नेत्रहीन छात्रों के लिए महाविद्यालय, अभी तक +2 के तक के लिए हमारे बच्चों के लिए पानीपत के अंदर एक इंस्टीट्यूट है जो काम कर रहा है, परंतु जब वो कॉलेज में जाने की जरूरत होती है तो ऐसी कोई स्पेशल इंस्टीट्यूट हरियाणा में नहीं था। हमने प्रयास किया है और आप लोगों का आशीर्वाद और सहयोग हमारे साथ है, हम शीघ्र ही कॉलेज लेवल पर एक इंस्टीट्यूट करनाल में एस्टेब्लिश करने की हमारी सरकार की योजना है, जिसका अनुदान 100% केंद्र सरकार दे रही है और भूमि और सारी चीजों की व्यवस्था हरियाणा सरकार करेगी, जिससे ये महाविद्यालय बनने से हमारे हरियाणा प्रदेश के बहुत से छात्र और छात्राओं का आगे पढ़ाई करने के लिए एक ये बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। इसी प्रकार से हमारी जितनी भी स्वैच्छिक संस्थाएं हैं उनको हरियाणा सरकार दिव्यांग कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत ऐसी संस्थाओं को समय समय पर अनुदान स्वीकृत किया जाता है। वर्ष 2017-18 में राज्य सरकार द्वारा 22 स्वैच्छिक संस्थाओं को 217.17 लाख रुपए की राशि वितरित की गई तथा चालू वित्त वर्ष में 2018-2019 में 230.11 लाख रुपए की राशि का हमने प्रावधान रखा है, जो समाज सेवी संस्थाएं मेरे दिव्यांग बंधुओं की शिक्षा और उनके संपूर्ण विकास के लिए काम कर रही है। हरियाणा सरकार उनके सहयोग और प्रोत्साहन के लिए लगातार प्रयासरत है और ऐसी संस्थाओं का हौसला बढ़े और इस क्षेत्र के अंदर ज्यादा से ज्यादा वो लोगों के लिए काम कर सके, ऐसी हम कामना करते हैं। इसी प्रकार से मैं
हमारी सरकार द्वारा जो स्टेट लेवल के प्राइज हैं उनमें दिव्यांग व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने जैसे से सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग कर्मचारी, स्वरोजगार चलाने वाले दिव्यांगों के लिए नियुक्त दिव्यांग व्यक्तियों के प्लेसमेंट अधिकारी, सर्वश्रेष्ठ प्लेसमेंट एजेंसी।